नमस्कार, स्वागत है आप सबका केवी सम्मेलन में। और हम आज आभारी हैं कि हमारे साथ हमारी भारतीय सेना के बहुत सारे महत्वपूर्ण अधिकारी, अफसर, सिपाही अपने परिवार के साथ हैं। और आने वाले कल में हमारी सेना को अपनी कदम ताल से गुंजित करने वाले एनसीसी के जवान भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज केवी सम्मेलन में। तो केवी सम्मेलन को आप सबका प्यार मिल रहा है, जहां जहां जाते हैं वहां वहां लोग आप इसकी तारीफ कर रहे हैं, शो में आते हैं, इसको देखते हैं, इसके लिए हम आभारी हैं। लेकिन आज तक खबरों का नंबर वन चैनल है, इसलिए सबसे पहले प्रस्तुत हैं परंपरा के अनुसार हवा में तैरते हुए कुछ समाचार, और उनमें साथ में मिला हुआ हमारा हास्य व्यंग का अचार। पहला समाचार, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी, अब हंसते बहुत हो उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने राफेल पर 2.5 घंटे तक बोला, लेकिन उसमें कोई ढंग की बात नहीं निकली। अब टीवी देख रहा अपना पड़ोसी लल्लू पनवाड़ी, बोला कि 2.5 घंटा या 70 साल से कोई ढंग की बात नहीं निकल रही भाई, जबकि बोल सब रहे। अमेठी में एक उत्साहित कांग्रेसी कार्यकर्ता ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का पोस्टर दीवार पर चिपका दिया। इस पर भाजपा की तेज तर्रार नेता स्मृति ईरानी जी ने कहा कि राहुल गांधी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। खबर यह है कि मुंगेरी लाल जी ने राहुल जी को खुद से तुलना किए जाने पर सख्त आपत्ति दर्ज की है। भाई आखिरकार मुंगेरी लाल का भी कोई काम है ना, वो कम से कम सपने देखता है। माता वैष्णो देवी, जय हो मां, जय माता दी, उनको पिछले 2 साल में भक्त लोग लगभग 2 करोड़ रुपए के पुराने वाले नोट चिपका गए। कमाल लोग हैं, कहीं नहीं चले तो मैया के दरबार में। इससे एक बात पता चलती है कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। मध्य प्रदेश में नई सरकार ने एक नया नियम पास किया, 38 सालों में पहली बार रविवार को पुलिस वालों को साप्ताहिक छुट्टी दी गई। भाई उनका भी जीवन है, उन्हें भी छुट्टी करने का अधिकार है। लेकिन अगले ही दिन इंदौर के कांस्टेबल ने अपने दोस्त से कहा, काहे की जुड़ी बिया, पोहे वाले ने सेऊ कम कर दिया। पूछा तो बोला, छुट्टी पे हो काहे के कांस्टेबल, सब्जी वाले ने टमाटर सड़े वाले दे दिए, और तो और ठेके वाले ने भी अधे की जगह पौवा थमा दिया। हम आपका दुख समझते हैं। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव, तेजू भैया, उन्होंने कहा है कि उन्हें ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की जरूरत है। मुझे भी लग रहा है इन दिनों वो जैसी हरकतें कर रहे हैं, दुनिया को उनसे बचने के लिए ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की जरूरत है, कम से कम लोग तो सुरक्षित रहेंगे। तो ये थे आज के समाचार, आइए चलते हैं इस एपिसोड के अगले भाग की ओर। केवी सम्मेलन के सेट पर हमने आमंत्रित किया है आर्म फोर्सेस के परिवारों को और उन नौनिहालों को जो आगे चलकर हिंदुस्तान की सेना को अपने गौरव बोध से जोड़ने वाले हैं। लेकिन इसी अवसर पर हमने आमंत्रित किया है ऐसे फिल्म के कलाकारों को जो अपने आप में तो स्टार हैं ही, लेकिन उन्होंने रियल लाइफ स्टार्स के ऊपर एक फिल्म बनाई है। आप सब जानते हैं हम बुद्ध के देश के रहने वाले हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम पूरी दुनिया को यह भी कहना चाहते हैं कि युद्ध की संभावना में जी रहे सब देश सुन लें, युद्ध भी है, बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे चुन लें। जब जब हम पर युद्ध थोपा जाता है, जब जब कोई नापाक पड़ोसी हमारी तरफ गलत आंखें उठाता है, तो हिंदुस्तान के रणबांकुरे अपने प्राण हथेलियों पर रखकर टाइगर की तरह किसी हिल पर चढ़ जाते हैं और हिमालय के शिखरों को बताते हैं कि उनकी ऊंचाई से भी ज्यादा अगर कुछ ऊंचा है तो वह हिंदुस्तानी सेना का मनोबल है, भारतीय सैनिक का साहस है और उसकी वीरता है। तो हम स्वागत कर रहे हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी हुई फिल्म के 3 मशहूर कलाकार, अभिनेता, अभिनेत्री, जिनसे आप सब परिचित हैं, विकी कौशल, यामी गौतम और मोहित को हम आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों के साथ कैसे आप? हाय, लव यू, कैसे हैं आप? रेडी नहीं जाइए, विराजिए, एक बार जोरदार तालियां तीनों के लिए। वाओ, तो आप तीनों का स्वागत।
और मैं देख रहा था कहीं विकी, उसमें लिखा हुआ था आपका एक डायलॉग था कि फर्ज और फर्जी में केवल एक मात्रा का अंतर होता है जी। और देखिए कैसा कोइंसिडेंस है, कैसा अद्भुत संयोग होता है कि एक बार चीजें मिल जाती हैं। बरसों से जब मैं कविताएं सुना रहा हूं सैनिकों के लिए, और कोई मुझसे पूछता है कि भाई सैनिक भी तो वेतन लेते हैं, आप भी वेतन लेते थे, पढ़ाते थे, तो इसमें क्या अंतर हो गया? तो मैं सदा एक वाक्य बोलता था कि सैनिक के और मेरे काम करने में एक अंतर है कि मैं वेतन के लिए काम करता हूं, सैनिक वतन के लिए काम करता है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी की फिल्म है, जैसे बाकी फिल्में आपके लिए होती हैं, आप सबने खूब सारी फिल्में की हैं, आपको रोल सुना दिया जाता है, लेकिन कभी भी ये नहीं होता हैंडल विद केयर, मतलब ये जो करने जा रहे हैं इसमें सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, इसमें जरा भी इधर उधर नहीं कर सकते ना। उनकी एक वर्दी का भी सेंटिमेंट है, देश का भी सेंटिमेंट है, और सेना हिंदुस्तान में एक ऐसा संस्थान है कि पिछले 70 सालों में जिसने सदा हमें अभिमान के क्षण दिए, हमें सदा प्राउड फील कराया है, कभी भी हमें एम्बरेसमेंट में नहीं बुलाए, कभी हमें शंका में नहीं लाए, इसलिए हम उनका बहुत अधिक सम्मान करते हैं। तो तीनों पर जिम्मेदारी का बहुत ज्यादा बोझ रहा होगा पूरी फिल्म के, क्या तैयारी आप लोगों ने की इसके लिए? बिल्कुल, जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब भी देखिए वो यूनिफॉर्म हमें पहनने का मौका मिलता है। हम गाड़ी में बैठते हैं, सेट पे पहुंचते हैं, वहां पे यूनिफॉर्म रेडी होता है, आप पहनते हैं और अभिनय करते हैं अपना। पर जब आप पहनते हो ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ये आपको एहसास होता है कि एक ना आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। क्या बात है, वो और क्या बात है, वो जादू है उस यूनिफॉर्म में। और आपको पहनने के बाद आपको एहसास होता है कि यार ये यूनिफॉर्म, ये मुझे पहनने का मौका मिल रहा है मेरे प्रोफेशन की वजह से। पर जो असलियत में ये यूनिफॉर्म पहनते हैं वो ये यूनिफॉर्म कमाते हैं, वो बेरे कमाते हैं, वो मेडल कमाते क्या हैं, क्या बात है, कई बार अपनी जीवन देकर कमाते हैं। यामी, आपका किरदार है एक इंटेलिजेंस का, ये जो आपने इंटेलिजेंस अफसर का जो रोल किया, इसके लिए आपकी जो खुद की इंट्यूशन थी वो काम आई है इसके लिए, जैसे इन्होंने बताया, आपने क्या तैयारी की? जी, पहली बात थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आमंत्रित किया और हमारे लिए यू नो आमतौर पर प्रमोशंस हो ही जाती है, इतना ट्रैवल होता है, आप थक जाते हैं या आपको थोड़ा सा यू नो स्टार्ट फीलिंग लो, बट ऐसा जब हम माहौल देखते हैं, इतनी एक्साइटमेंट आप में सब में देखते हैं, तो अपने आप जोश आ जाता है। क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। और किरदार की बात की जाए तो मैं पल्लवी शर्मा का किरदार निभा रही हूँ, जो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है NSA में, मतलब जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक रहा, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मिशन माना जाता है, इसीलिए हमारे हिस्ट्री में, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन मिलिट्री, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक लैंडमार्क माना जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ डिफेंस और सिर्फ आर्मी नहीं पर काफ़ी और ज़रूरी डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व थे, जैसे इसरो, DRDO, पर ये उसके बावजूद इतना क्लासिफाइड मिशन था कि इन्फॉर्मेशन किसी ने भी लीक नहीं की, एंड दैट्स द ओनली रीज़न व्हाई इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। मोहित रैना साहब, मतलब कश्मीर पर फिल्म बनी है और आप कश्मीरी हैं, मतलब कश्मीर जो है वो हमारे लिए एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो हमारी इतनी बड़ी विरासत है, महर्षि कश्यप की राजधानी, शंकराचार्य के दर्शन, वो डल झील के शिकारे, और हम सब लोग जो अब 30 से 40 वाले लपेटे में हैं, हमारी शुरुआती इश्क की खुशबुएं जो हैं वो आरजू से आई हुई हैं, तुझे इस झील का खामोश दर्पण याद करता है, या कश्मीर की कली से याद आई हैं, जहां शिकारे में नाचते हुए शम्मी कपूर साहब गिर जाते हैं, वही कश्मीर जब बारूद में सना हुआ, बंदूक की आवाज़ में सना हुआ, और वहां से मोहित रैना आते हैं और इंडियन जो सोल्जर्स की एक फाइट है हमारी इंटीग्रिटी को बचाए रखने के लिए, जो वो विपरीत परिस्थितियों में लड़ रहे हैं उसको जब करते हैं, तो विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द क्रिएटिविटी ऑफ बोथ ऑफ दीज वंडरफुल फ्रेंड्स, मैं आपसे ऐसी सोचता हूँ कि शायद आपने ज्यादा अंदर से महसूस किया होगा उसको। जी बिल्कुल, उस रोल को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज मैंने ये उनकी जिंदगी बहुत क्लोजली देखी है, जी है बहुत सालों तक। आप कश्मीर रहे हैं? मैं कश्मीर में, मेरी परवरिश और मेरा जो मेरा मैं पला बड़ा वहीं कश्मीर का हूँ, मेरी पैदाइश कश्मीर की है, प्रॉपर श्रीनगर की। तो 4-5 साल की, बिकॉज कश्मीर में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था उस समय कि आपकी स्कूल बस ने आपको ड्रॉप किया और आप वहाँ से किसी ने आपको घर पे छोड़ दिया, बिकॉज मॉम डैड काम करते थे, देवर वर्किंग क्लास। सो बहुत बार ऐसा होता था कि वहाँ के लोकल सोल्जर्स जो थे वो देखते थे कि ये 4-5 साल का बच्चा है, उसे रोड क्रॉस करा के मुझे घर पे छोड़ देते थे। क्या बात है, वाह 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 वाह।
बिकॉज उनकी रेजिमेंट की ड्यूटी जो होती थी उसी एरिया में होती थी, सो दे वर लॉट ऑफ फेमिलियर फेसेस हो जाते थे वो लोग, बिकॉज एक एरिया में वही 10-15 लोग थे जो तैनात होते थे और उनकी शिफ्ट चेंज होती रहती थी. तो मैं उनके साथ खेलता भी था, क्रिकेट भी खेलता था, उनके साथ लंच भी करता था, उनके साथ शाम का खाना भी खाता था. क्या बात है. सो हम लोगों की इंटरेक्शन वहाँ पे बहुत पर्सनल लेवल पे थी. आप तो बहुत लकी हैं. इस बार तो आपने काफी मेहनत की, हेलीकॉप्टर से कूदे आप लोग, पहाड़ पे चढ़े, ये हुआ फन था ये थकाने वाला था, मजा था कि थकाने वाला था? देखिए आर्मी की ट्रेनिंग थकाए ना तो फिर वो ट्रेनिंग ही क्या. तो मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगा. सॉरी मैं प्लीज दे रहा हूँ. मैं राजी शूट कर रहा था और हम पटियाला के कैंटोनमेंट में शूट कर रहे थे. तो वहाँ पे रात का समय था, हमारी शूट 9:30 बजे के करीब ख़त्म हो रही थी और वहाँ पे जो हाथी रेजिमेंट पोस्टेड थी और उन्होंने कहा था हम आपको डिनर पे होस्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ हमारी रेजिमेंट के साथ आप डिनर कीजिए. तो हम गए उनके साथ डिनर किया और काफ़ी अच्छा माहौल बना. 3 बजे तक हम पार्टी चल रही है, फैसिनेटिंग स्टोरी शेयर कर रहे हैं उनके प्रोबेशन पीरियड के, जो जो मिशन पे गए थे. तो एक बार आप आर्मी के किस्से सुनना शुरू करें तो रात कब बीत जाती पता नहीं लगता. 3 बज गए थे और एक जवान सा कैडेट था, 26 साल का था, मुझसे छोटा ही था, कैप्टन था और तो कह रहा था कि कल का आपका क्या प्रोग्राम है. तो हमने कहा कल यार फाइनली बहुत दिनों बाद हमें छुट्टी मिली है तो कल तो हम खींच के सोएंगे, आराम करेंगे. तो मैंने कहा यार आपका क्या प्लान है. टाइम हो चुका था 3:30-4 बजे. कह रहा था कुछ नहीं टाइम क्या हुआ है. मैंने कहा यार 3:30 बजे. कहते कुछ नहीं 5 बजे 25 किलोमीटर की दौड़ है, उसके बाद ये ड्रिल है, फलाना ड्रिल है, फलाना ड्रिल है. अब मैं गिल्ड में चला गया. मैंने कहा यार भाई पहले बता देता मैं, हम जल्दी चले जाते, हम यहाँ पसर पड़े. तो कहते तो उन्होंने उस 26 वर्षीय कैप्टन ने उसके बाद जो मेरे से कहा था वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा. और मुस्कान के साथ उसने कहा था कि नहीं नहीं हम आज को आज की तरह जीते क्योंकि हमें नहीं पता कल हम कब हमारी तस्वीर अखबार में आ आए. हाय आए हाय. ये बताइए यामी, मैं एक डायलॉग देख रहा था कि ज्यादा नाटक किया तो तेरे क्या मुंह से तेरे अखरोट बाहर निकाल दूंगी. तो मतलब आप तो बिल्कुल देख के आदमी दूरी से एकदम देखे. यामी गौतम का जो प्रभाव है, जब आप पहली बार विज्ञापन में आई थी तो उसको देख के हमारे घर में जो बहनें थी, लड़कियां थी, भाभियां थी, उन्होंने पहली बार आपको देख के कहा हाय कितनी क्यूट है, इसको तो फिल्म में होना चाहिए. और आपने उस आवाज को सुना और आज आप फिल्मों में एक सुपरस्टार हैं, इतनी सारी फिल्में कर रही हैं. तो आपको लगा नहीं कि आपकी जो इमेज है एक कोमल सी नाजुक सी लड़की, खूबसूरत सी, जिस पर गजलें कही जानी चाहिए, नज़में कही जानी चाहिए, और वो अखरोट वखरोट मुंह से बाहर निकालने की बात कर रहा मतलब आने वाले कल में लड़के भी दूर से बात करेंगे, बोले भाई ये तो मुंह से अखरोट वखरोट बाहर निकाल देती है भाई. एग्जैक्टली बात वही एक्चुअली यही है कि एक टेस्ट है उस लड़के के लिए कि जो इन सब चीजों से परे देखेगा वो ही हिल बी माय गाय. बट ऑन अ सीरियस नोट कुमार जी, मैंने शुरुआत एक्चुअली एज अ मॉडल नहीं की थी, एज एन एक्टर ही की थी, पर टेलीविजन से की थी. और मैंने एक बार जब आ गई थी चंडीगढ़ से यहाँ तो मैंने सोच लिया था कि हाँ वापस नहीं जाना है. आप पिछली फिल्म में पाकिस्तानी अफसर बने थे जी, इस फिल्म में हिंदुस्तानी अफसर बना था जी. तो यूनाइटेड नेशंस को हम अप्लाई करते हैं कि आप शांति के लिए पहल कर सकते हैं उधर का भी. नहीं सर ये प्लानिंग थी मेरी, हैं उधर भी कर रहे थे इधर भी. नहीं प्लानिंग ये थी कि वहां से इंटेलिजेंस ले आऊं फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर दूंगा. एक बड़ी रुचि रहती है सबकी, हम सबकी रुचि रहती है कि आप सबकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या चल रहा है. मतलब थोड़ा सा खराब सवाल है लेकिन उधर क्यों देख रहे हो आप, अपनी शुरू करो ना. मैं तब से इतना बोल रहा था तो मुझे लगता है कि मैं ही बोले जा रहा हूं. चलो मोहित से शुरू कर देते हैं. सर बहुत सिंपल सी बात है, जिस इंसान का मंदिर हो उसका क्या है. यामी आपसे क्या उम्मीद करें, क्या कुछ दे दीजिए, कुछ बता दीजिए क्या चल रहा है. देखिए जो लड़का कंफर्टेबल होगा अखरोट एज अ ड्राई फ्रूट वो मुझे लड़का मंजूर. लेकिन मेरी पूरी शुभकामना आपके साथ है. और मैं जिनको शुभकामना देता हूँ फल जाती है. हाँ मैंने एक मुख्यमंत्री को शुभकामना दी थी प्रधानमंत्री बनने की, बनी गया. फिर तो आप उरी की हिट होने की शुभकामनाएं दे दी. वो तो सुपर हिट है, हम सब प्रॉमिस आपको कर रहे हैं, हम उरी देखने जा रहे हैं सब लोग. मैं भी पिछले सवाल पे अपने विकी से नहीं पूछा. हाँ क्या बात है, बाकी सब पूछ लिया. ये सर मैंने विकी से रोल छोड़ नहीं रही है. मैंने विकी से इसलिए नहीं पूछा कि मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाजा है उस बात का. अच्छा
सही मुझे तो अंदाजा है, लेकिन फिर भी वो कैमरा पूछना चाह रहा है कि विकी कौशल अब क्या चल रहा है, मतलब अगला करेक्टर जो है जो मिलने वाला है बड़ा लीड, वो किधर की तरफ जा रहा है, कुछ उसकी लीड दे दीजिए थोड़ी, बता दीजिए। देखिए वैसे तो अगला पार्ट जो है वो कहीं से भी रोमांस से जुड़ा हुआ नहीं है, अगला पार्ट जो है वो औरंगजेब का है तो उसका रोमांस से कोई लेना देना नहीं है। पर इतना कहूंगा, चेहरे पे जो मुस्कान आई है उससे लग रहा है कि अंदर कहीं शहनाई बज चुकी है। अरे शहनाई तो कितनी बार बजाई, कोई दवाई देता है आगे। बट अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मैं इस पे ये कहूंगा कि मैं आपकी एक कविता थी जो मैं कहना चाहूंगा, एक जमाना था जब आज के दौर पे है कि वायरल क्या होता है, हर चीज वायरल हो जाती है, जब मैंने इंजीनियरिंग करनी शुरू की थी 2005 में, तब ये वायरल शब्द नहीं था, तब YouTube शायद लॉन्च ही हुआ था, तब ये सब कोई प्लेटफॉर्म नहीं थे, और तब एक कविता थी जो कुमार जी की थी जो ऐसी वायरल हुई थी, और स्पेशली एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के नाते हमारे लिए तो वो एंथम बन चुका था। बहुत ज्यादा पर कि कोई दीवाना, कोई दीवाना कहता है, सर प्लीज दो लाइन हो जाए, कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, गाइए, कि कोई दीवाना, सबको याद है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल, कोई कब तक महज सोचे, कोई कब तक महज गाए, इलाही क्या ये मुमकिन है कि कुछ ऐसा भी हो जाए, तेरा महताब मेरी रात के आगोश में पिघले, तेरा महताब मेरी रात के आगोश में पिघले, मैं तेरी नींद में जागूं तू मुझ में घुल के सो जाए, मैं तेरी नींद में जागूं तू मुझ में घुल के सो जाए, मैं तेरी नींद में जागूं तू मुझ में घुल के सो जाए। सबसे बड़ी बात इस कार्यक्रम में मैं कहना चाहता हूं सारे ऑफिसर्स से, सारे सैनिकों से, आपका योगदान तो बड़ा है, हम आपको सैल्यूट करते हैं, लेकिन जो महिलाएं आई हैं आज, जो पत्नियां यहां पर आई हैं, हम आपके एहसान के लिए कोई ऋण नहीं दे सकते, आपके इंतजार का हम कोई फल नहीं दे सकते, जो आप सजा कर जिस तरह भेज देती हैं और जिस तरह हिंदुस्तान की सीमाओं पर रक्षा के लिए आप अपने सुहाग को शुभकामनाएं देकर भेजती हैं, उसके लिए पूरे देश की ओर से हम आपको प्रणाम करते हैं। माझी एक रिक्वेस्ट थी जी, फौज भी हमारे बीच है, हमारी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक इन्हीं के सम्मान में बनी गई है, माहौल है, आपकी एक कविता है तिरंगा, अगर वो आप सुना दें दो पंक्तियां प्लीज। क्या बात है, आपकी भी अनुमति है, आपकी तालियों से आप बताएं तो मैं। मुझे लगता है कि एक ऐसी कविता है और एक ऐसा विषय है तिरंगा कि मुझे बैठ के नहीं सुनानी चाहिए प्लीज, और बाकी सारी कविताओं ने मुझे प्रसिद्धि दी, इस कविता ने मुझे प्रतिष्ठा दी। क्या बात, आप सब लोग जो सीमा पर जाते हैं आप लोग क्या मांगते हैं, और जो किरदार आप दोनों ने निभाए हैं या आपने निभाए हैं एक इंटेलिजेंस अफसर की तरह, आप लोग क्या मांगते हैं ऊपर वाले से, ऐसा मैंने सोचा कि शोहरत न अता करना मौला, मौला मौला शोहरत नहीं मांगता, आप लोग अखबार में फोटो छपाने के लिए शहीद नहीं होता कोई, कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला, क्या कि बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला, शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो,
होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। सुनिएगा, जो सीमा पर सरहद पर फौज घूमती है हमारी बीएसएफ घूमती है, उसके लिए कि बस ये एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में, बस ये एक दुआ ही उठे सदा जलते तपते सहराओं में। इस तिरंगे को आंखों के आगे रखिए और सोचिए, जीते जी इसका मान रखे, मर कर मर्यादा याद रहे, हम रहे कभी ना रहे मगर इसकी सज धज आबाद रहे, गोधरा न हो गुजरात न हो, ना ऐसे दंगे हो ना ऐसे दंगों की प्रतिक्रिया हो, गोधरा न हो गुजरात न हो, इंसान न नंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा, हाथों में तिरंगा हो। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये अजीब गुलदस्ता है इस देश का, भारत माँ की ओढ़नी में जितने भी रंग हैं, अलग अलग जाति अलग अलग धर्मों के, ये बिखरे बिखरे रहे एक दूसरे के साथ मिले हुए, तभी रंग चटक आता है। कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने। यहाँ पगड़ियां बैठी हैं, उनको गुरुद्वारा मानकर प्रणाम करता हूँ। हम गुरु गोविंद सिंह जी के चार बेटों के बलिदान का कर्जा खाकर बैठे हुए हैं, इस पूरे देश पर उस बलिदान का कर्जा है, तब कहता हूँ। कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने, हम शब्द कीर्तन सुन न सके, भारत माँ का जयगान सुने, परवरदिगार मैं तेरे द्वार पर ले पुकार ये कहता हूं। और ये लाइन समर्पित है बिखरी जुल्फों वाले उस मसीहा के नाम जिसे लोग अब्दुल कलाम के सलाम करते हैं। परवरदिगार मैं तेरे द्वार पर ले पुकार ये कहता हूं, चाहे अजान ना सुने कान पर जय जय हिंदुस्तान सुने। जन मन में इस मन में उस मन में, जन मन में इस मन में उस मन में, जन मन में उच्छल देश प्रेम का जलद तरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंग, फिर से गाइए, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो केवी सम्मेलन के इस सेक्शन में हम हर बार बुलाते हैं देश के महत्वपूर्ण कवियों और शायरों को, नए पुरानों को, जो नया कह रहे हैं उनको, जो कह चुके हैं उनको, उन सबको आमंत्रित करते हैं। तो इस बार हमने आमंत्रित किया है एक बहुरंगी छटा को, शायरी और कविता और हास्य के मेल को। हमने बुलाया है अजमेर के व्यंगकार और मूल धारा के महत्वपूर्ण लेखक रास बिहारी गौड़ को। हमने आमंत्रित किया है देवबंद के एक नौजवान शायर जिसकी तरन्नुम और कहन पर इन दिनों पूरा मुल्क फिदा है, नदीम शाद को। और हमने गीत के कुल के एक बहुत प्यारे अक्षर आरंभ करने वाले कवि अमन अक्षर को आमंत्रित किया है। इन तीनों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। स्वागत है आप तीनों का केवी सम्मेलन में। और रास बिहारी जी अजमेर से आए हैं और शाद भाई देवबंद से आए हैं, लेकिन इंदौर से एक युवा गीतकार हमने बुलाया है। और जब इनको हम देखते हैं तो मुझे सदा नई जितनी भी रोशनियां हैं, जितनी आवाजें हैं, इन्हें देखकर एक शेर याद आता है कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो मैं चाहता हूं कि पहला कवि अमन अक्षर हो, जोरदार तालियों के साथ।
अमन अक्षर का स्वागत करें। एक बात कही जाती है कि युद्ध और प्रेम एक जैसा होता है। सुनिएगा, आग पर हाथ धरना पड़ेगा तुम्हें, आग पर हाथ धरना पड़ेगा तुम्हें, खुद को लाचार करना पड़ेगा तुम्हें। जिंदगी तो कहेगी मोहब्बत करो, फिर मोहब्बत में मरना पड़ेगा तुम्हें, फिर मोहब्बत में मरना पड़ेगा तुम्हें। बहुत अच्छे। और कोई आप जैसे पद ऐसे ही नहीं पा जाता। मैं अपने लिए पढ़ता हूँ, लेकिन आज पूरी इंडियन आर्मी की तरफ से, के लिए, पूरे देश की तरफ से मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। सुनिएगा कि तोड़ कर कोई मानक नहीं आए हैं, तोड़ कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं। जिंदगी ने मुसलसल पुकारा हमें, आंसुओं ने मुसलसल पुकारा हमें, आपने ही मुसलसल पुकारा हमें, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं। और मैं कुछ मुक्तक है मेरे, आज सबसे सही समय है, देश के सारी सेना के लोग और सबसे महनीय लोग यहाँ पर हैं। बस मेरा आपसे निवेदन ये है, इसके आखिर में एक दो शब्द आते हैं तुम्हारे लिए। मैं पहले शुरू करता हूँ, आप साथ में गाइएगा आने वाली मुक्तक में, मैं आपको बताते जाऊंगा। सुनिएगा कि मुझ में थी एक विकलता बेचैनी, मुझ में थी एक विकलता तुम्हारे लिए, अब तुम्हारे लिए पकड़िएगा, मुझ में थी एक विकलता तुम्हारे लिए, द्वार दीपक सजलता तुम्हारे लिए, और जो होता पता तुम यहीं आओगे, मैं ना घर से निकलता तुम्हारे लिए, मैं ना घर से निकलता तुम्हारे लिए। और सुनिएगा कि कितने चेहरे हम कभी क्या करते हैं, कितने चेहरे बनाए तुम्हारे लिए, कि कितने चेहरे बनाए तुम्हारे लिए, सारे कर्तव्य दिखाए तुम्हारे लिए, यूं तो दुनिया को भी खूब भाए मगर हम कहानी में आए तुम्हारे लिए, हम कहानी में आए। और मेरा ये मुक्तक शायद मेरे जीवन का सबसे सही मौका यही है जब मैं इस मुक्तक को पढूं। आप सेना के लोग हैं, आप जीवन की सारी स्थितियों जिसमें युद्ध भी आता है उससे परिचित हैं, आप किसी के प्रति अपना सबसे बड़ा समर्पण कैसे व्यक्त कर सकते हैं? सुनिएगा कि युद्ध की ओर बढ़ता तुम्हारे लिए, युद्ध की ओर तुम्हारे लिए, जीतता या के मरता तुम्हारे लिए, आप सुनिएगा, जीतता या के मरता तुम्हारे लिए, और सुलह की जो उम्मीद होती तो मैं तुमसे भी बात करता तुम्हारे लिए। ओ स्वभाव, स्वभाव फूल जैसा, स्वभाव फूल जैसा, हौसला गुलदान जैसा है, स्वभाव फूल जैसा, हौसला गुलदान जैसा है, ये उर्दू है जिसका दिल भी हिंदुस्तान जैसा है।
तो उसी उर्दू की बज्म से नदीम शाद को आमंत्रित कर रहे हैं जोरदार तालियों के साथ। आइए नदीम मियां, स्वागत है आपका। चलो ना आज सही कल जरूर टूटेगा। वाह। चलो ना आज सही कल जरूर टूटेगा, चलो ना आज सही कल जरूर टूटेगा। गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा, गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा, गुरूर टूटेगा। और ये शेर देखिए, गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा, ये मशवरा है कि पत्थर बना के रख दिल को, ये मशवरा है कि पत्थर बना के रख दिल को, ये आईना ही रहा तो जरूर टूटेगा, ये आईना ही रहा तो जरूर टूटेगा, जरूर टूटेगा। चार मिसरे और आप तक पहुंचाता हूं, और ये मतला जो नई पीढ़ी है मैं उसको नजर करता हूं, बल्कि अपने सेना के जवानों की तरफ से उस तमाम नई पीढ़ी को ये मैं पेश करना चाहता हूं, नजर करना चाहता हूं। सुनिए, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। भैया शेर हाजिर करता हूँ, जिंदाबाद। वाह। सब मिलकर आवाज उठाए तो कुछ चांद पे रोब पड़े, बात ही बहुत बढ़िया। सब मिलकर आवाज उठाए तो कुछ चांद पे रोब पड़े, सब मिलकर आवाज उठाए तो कुछ चांद पे रोब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या होगा, मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या होगा। बहुत शुक्रिया। और आखिर में एक छोटी सी गजल के चंद शेर और हाजिर करता हूँ, ये भी सुनिए, मतला हाजिर करता हूँ, सुनिए। दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं, आप मुझसे भी पर्दा करें, अब किसी का भरोसा नहीं, आप मुझसे भी पर्दा करें। ये दो मिसरे सुन के आपको लग गया होगा मैं शरीफ आदमी हूं। शेर आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। स्वागत है। अब किसी का भरोसा नहीं, कल ये मेरे भी आंगन में थी, जिस पे तुझको गुरूर आ
आज है। कल ये मेरे भी आंगन में थी। कल ये मेरे भी आंगन में थी, जिस पे तुझको गुरूर आज है। कल ये शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं। और अच्छे, वाह। कल ये शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं। और ये भी शेर देखिए, क्या जरूरी है हर रात में चांद तुमको मिले जाने जान। हाय हाय हाय। क्या जरूरी है हर रात में चांद तुमको मिले जाने जान, जुगनुओं से भी निस्बत रखो, चांदनी का भरोसा नहीं। जुगनुओं से भी निस्बत रखो, चांदनी का भरोसा नहीं। और ये एक बड़ा नाजुक सा शेर आप तक पहुंचाता हूं। आप आर्मी से हैं, जिंदगी को आपने बहुत नजदीक से देखा, जिंदगी और मौत दोनों को। मैंने जिंदगी को एक दो मिसरों में कहने की कोशिश की है। भैया बतौर खास हाजिर करता हूं, आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। इस खुशी का भरोसा नहीं, रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने। हाय हाय, इसी में मर जाते हैं। रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने, इतने दुख जिंदगी के लिए, और इसी का भरोसा नहीं। इतने दुख जिंदगी के लिए, और इसी का भरोसा नहीं। और ये आखिरी शेर भी सुनिए, पत्थरों से कहो राज़े दिल, ये ना देंगे दगा आपको। आए आए आए, पत्थरों से कहो राज़े, पत्थरों से कहो राज़े दिल, ये ना देंगे दगा आपको, ए नदीम आज के दौर में आदमी का भरोसा नहीं। अजमेर से हमारे बीच रास बिहारी गौड़ आए हैं, वरिष्ठ व्यंगकार हैं। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिएगा, रास बिहारी जी। वाओ, पति पत्नी के रिश्तों से बड़ा लालित्य कहीं नहीं। जनवरी में आगाज होता है नव वर्ष का, जनवरी चल रहा है, नया साल है, ये कैलेंडर आपके सबके काम आने वाला है, जो एनसीसी के कैडेट हैं भविष्य में आपके भी आएगा। बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप ये सीख गए तो आपका तिरंगा सही जगह फहर पाएगा। ताली वाली बजा सकते। जनवरी में आगाज होता है नव वर्ष का, बिगुल बज जाता है संघर्ष का। अच्छा। सबसे पहले मकर संक्रांति शुरू होती है, क्रांति सबसे पहले मकर संक्रांति। पत्नी तिल का ताड़ बनाकर पति को लताड़ती है।
26 जनवरी पर अपने अधिकारों का झंडा उसकी छाती पर गाड़ती है। मान जानी तो अब कर दूंगी सर्जिकल स्ट्राइक, यही होता है। 26 जनवरी पर अपने अधिकारों का झंडा उसकी छाती पर गाड़ती है। फरवरी में महाशिवरात्रि, महापर्व, महाव्रत, पत्नी उस व्रत का असर मांगती है। पति के सामने ही भगवान भोले से दूसरा वर मांगती है। अच्छा है। मार्च में होली, रंगों की ठिठोली, तब तो भगवान ही रखवाला होता है। और जितने पतियों आप ध्यान से सुनना, मार्च में होली, रंगों की ठिठोली, तब तो भगवान ही रखवाला होता है। पत्नी लाल पीली और पति का मुंह काला होता है। अच्छा, अब रंग देखिए। अप्रैल में अप्रैल फूल, हम पतियों के लिए। मई में मजदूर दिवस, इन पतियों के लिए। जून में जून खराब होती है। जुलाई के सावन भादो खलते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, हर पति के मन में आजाद होने के अरमान पलते हैं। एक ही दिन पलते हैं साहब। बहुत अच्छे। सितंबर में हर महीने देखना, आपके बहुत काम आएगा, पूरा साल याद रखना। सितंबर में गणपति बप्पा मोरिया, गण के साथ पति लगा है इसलिए विसर्जन हो रिया। गणेश जी ये सोच रिया ये क्या हो रिया। अक्टूबर में डांडिया, और डांडिया आप वो सब बनाते हैं आजकल, पूरा देश बनाता है। अक्टूबर में डांडिया नजारा सूदा सत है। आपने डांडिया देखा होगा क्या होता है। अक्टूबर में डांडिया नजारा सूदा सत है, पति पत्नी दोनों नाचते हैं, दोनों के हाथ में लठ है। अच्छा। और एक त्योहार आएगा, बहुत पवित्र सा त्योहार है, आप संभाल लेंगे। दोनों नाचते हैं, दोनों के हाथ में लठ है, लठ की दहशत कुछ करने नहीं देती है। पत्नी जीने नहीं देती है, करवा चौथ मरने नहीं देती है। क्या कष्ट है आपका। वाह। पत्नी जीने नहीं देती है, करवा चौथ मरने नहीं देती है। नवंबर में दिवाली, बीवी बच्चे बाजार। नवंबर में देखना क्या होता है, बड़ा आतंक रहता है घरों में, आप सब जानते हो। नवंबर में बीवी बच्चे बाजार मिलकर लूटते हैं। दिवाली के सारे पटाखे इन खोपड़ियों पे फूटते हैं। अच्छा। दिसंबर में पति धार्मिक हो जाता है। अच्छा। क्योंकि इतने कष्ट के बाद तो अच्छा खासा हो जाएगा। क्रिसमस पर चर्च में जाकर मत्था टेकता है, वहां भी ईसा मसीह को सूली पे टंगा हुआ देखता है। ईशु ईश्वर पति परमेश्वर, दोनों की एक गति एक नियति, समझ जाता है पति सारे गम भूल जाता है, फिर से हैप्पी न्यू ईयर के झूले में झूल जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के झूले में झूल जाता। एक बार जोरदार तालियां राज बिहारी जी के लिए। तो ये था आज का कवि सम्मेलन। सैनिक में और कवि में ज्यादा अंतर नहीं है। गोपालदास नीरज, स्वर्गीय गोपालदास नीरज, उन्होंने प्रेम पुजारी में एक बहुत अच्छा गीत लिखा, ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। उसमें उन्होंने एक पंक्ति कही कि देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी। आप सब देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, और वंशी से बंदूक बनाते हम हैं प्रेम पुजारी। तो आज नेशनल यूथ डे है, राष्ट्रीय युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद को समर्पित। आनंद की खोज में पूरा विश्व है, पूरा विश्व जानता है और चाहता है कि हैप्पीनेस बढ़े, लेकिन आनंद वही शाश्वत है जिस पर विवेक का अंकुश हो।
तभी आप नर से इंद्र बन सकते हैं, यानी कि नरेंद्र बन सकते हैं, जो विवेकानंद का मूल नाम है। तो आप सबके जीवन में आनंद हो, लेकिन वो विवेक के अंकुश से सुसज्जित हो, ताकि पूरी दुनिया में जहां हमें विवेकानंद पहुंचाना चाहते थे, द ट्रुथ द ब्यूटिफुल एंड द बिनोवेलेंट के सहारे उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और जो सबसे श्रेष्ठ उसे प्राप्त करो, न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व। देखते रहेगा केवी सम्मेलन, जुड़े रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।